हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द्विघात संकर का एक बहुत ही शानदार सवाल लेकर आए हैं, जो इबारती सवाल है। और इस तरह के सवाल में बच्चे ज्यादातर पेपर में फंस जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि इबारती जो भी सवाल होता है वो पेपर में हार नहीं देता है, उसमें केवल जो होता है टेक्निक होता है, सेट करने का तरीका आपको पता होगा तो सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये देखते हैं जो हमारा सवाल दिया क्या है। दिया है एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत यहाँ पर बना लेंगे। यही जो आयत है यह एक आयताकार बाग है। आयताकार क्या है, बाग है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आयताकार बाग की जो चौड़ाई है x मान लेंगे, और क्या बोला है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी लंबाई है। यानी यदि चौड़ाई इसकी x है, x मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3x मीटर हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई कितनी है। यानी इस आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल दिया है वह कितना दिया है, 243 वर्ग मीटर, 243 वर्ग मीटर दिया है, और इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की जो चौड़ाई है x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। यहाँ पर हमें दिया है मीटर, में इसलिए हमने यहाँ पर मीटर लिखा है। यदि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिखते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्न जो बोल रहा है उसके अनुसार क्या होगा, आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बाग का, आयताकार बाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात है, कितना दिया है, 243 वर्ग मीटर दिया है। अब हम यहां करेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 243 वर्ग मीटर दिया है, और हमें लंबाई कितना मिल गया है प्रश्न के अनुसार, तो 3x मिला है, और चौड़ाई कितना मिला हमें, x मिला है। अब हम क्या करेंगे, 243 इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसको हम चाहे तो इस साइड में भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इक्वल टू 243। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम इस पद को बराबर के दूसरे डायरेक्शन में ले गए हैं, क्यों साइन नहीं चेंज हुआ है। चलिए साइन भी चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए इधर -3x स्क्वायर हो गया, और ये भी इधर आएगा तो ये भी तो -3x स्क्वायर -243 होगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लिखे या न लिखे बात वही हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 243, और यहाँ पर जो 3 है x स्क्वायर के मल्टीपल में, यानी इनटू के रूप में है, तो इनटू वाला जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है तो क्या बन जाता है, डिवाइड यानी भाग बन जाता है। तो 3 से हम इसमें भाग देंगे, 3 इसके बट्टे में हो जाएगा। अब 3 से 243 को काटिए तो 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 8 24 और 3 3 यानी 81 बार में हम 3 से 243 को काट दिए। अब क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 81, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√81। अब देखिए जो 81 है यह किसका वर्गमूल होता है, तो यह होता है x इक्वल टू हो जाएगा ±9 हो जाएगा, यानी 9 का वर्ग जो होता है 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल ±9 हो जाएगा। अब देखिए x पर यहाँ 2 घात था, तो x का हमें 2 मान तो प्राप्त होगा, x इक्वल टू +9 और -9, लेकिन हम लेंगे क्या, x इक्वल टू -9 लेंगे या x इक्वल टू +9 लेंगे, आप बताइए जरा सोच करके। देखिए
हम आपको बताते हैं यक्स इक्वल टू माइनस नाइन कभी नहीं होगा, क्योंकि जो एरिया होता है क्षेत्रफल होता है वो माइनस में कभी नहीं जा सकता। क्या इस वर्ग वर्ग का आयत का जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल निगेटिव में जा सकता है? नहीं जा सकता। इसलिए हम क्या लेंगे, इसको निगलेजिबल कर देंगे, नगण्य कर लेंगे और यक्स इक्वल टू हमारा प्लस नाइन हो जाएगा। अब देखिए जो प्लस नाइन आया है, इस आयताकार बाघ का चौड़ाई आया है, हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बोला है बाघ की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्न में हमारा जो बाघ का लंबाई हो कितना है, चौड़ाई का तीन गुना है, तो हो जाएगा बाघ का लंबाई, आयताकार बाघ का लंबाई, आयताकार बाघ की लंबाई इक्वल टू थ्री गुणे चौड़ाई। जो हमारा चौड़ाई प्राप्त हुआ है प्लस नाइन है तो लंबाई का जाएगा थ्री गुणे नाइन इक्वल टू तीन नवा सत्ताईस, 27 मीटर इस आयताकार बाघ की लंबाई हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमने आज इस इवार्ती सवाल को लगाने का बहुत ही आसान तरीका समझाया है। यदि आप लोग इस तरीके को समझ जाते हैं तो इस तरह का सवाल तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।